Very nice. आजकल एक सिंगर का लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर, स्पेशली अगर आप लड़के हैं कि इतने साल मेरा करियर चलने वाला है. एंड ऑफ कोर्स जिस तरह का भी आपको गाना मिले, जस्ट ट्राई एंड गिव इट 100%. एंड रियाज, जब आपको गाने मिलने लगे उसके बाद डोंट थिंक कि अब तो मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया हूँ, रियाज की ज़रूरत नहीं. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो भी जो कुछ करना चाहता है यहाँ पे, आप शायद इसको प्ले करना चाहती हैं, आप गिटारिस्ट होंगे, आपको वीडियो बनाने में मज़ा आता है, जो जो भी करना चाहता है, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि आपको मज़ा आना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए. जोकरी करके भी खुशी मिल रही है तो जोकर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको पता है मैं बेस्ट कर रहा हूँ. आई थिंक यू गाइस शुड राइट स्टार्ट राइटिंग योर ओन म्यूजिक. जो आप लोग लिखते हो, लिसन टू सॉन्ग्स, लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स दैट आर हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड आई एम टेलिंग यू वन ऑन वन थिंग्स दैट आई डू, जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ. I listen to a lot of music. हर गाने में सिर्फ आवाज़ नहीं होती सुनने की, आप लोगों को पूरा गाना सुनना चाहिए. वन, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग किस तरह से जा रहा है, मुखड़ा हुआ, अंतरा हुआ, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, वहाँ तो वर्स कोरस चल रहा है, वर्स कोरस आउट्रो खत्म गाना. सो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं म्यूजिक के, म्यूजिक को लेकर. सारे स्ट्रक्चर्स को सुनिए, समझिए कि मेलोडी कैसे फ्लो कर रही है. पता होना चाहिए कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड होने के बाद कैसे आने वाली है. कभी कभी होता है कि हम बात करते हैं तो बहुत बेस आती है वॉइस, लेकिन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो शायद वो वॉइस इतनी बेस में नहीं होती, थोड़ी शार्प हो जाती है, टोनल क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाती है. तो आप रिकॉर्ड करके आप खुद सुनोगे ना अपनी आवाज़, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वॉइस कैसी है और आपको कैसे ट्रीट करना है. आई वुड रियली से दैट इन टुडेज टाइम यू हैव टू एक्सप्लोर वेरियस अदर ऑप्शंस. Because Bollywood or film music is not the only thing that you're going for. You know, the world is a window right now. आप देखते हैं covers गाते हैं लोग, वो covers गा गा के बहुत popular हो जाते हैं. जॉनिता है या बहुत से ऐसे artists हैं जो covers गा के popular हुए हैं. Because they were so good. Jimosai I so see ho de hi see oi dekagu basi bem de hi see oi guja ke igab de hi see oi cha. टेक्निकली ये गाने में चार स्केल है. जो सुर है, द मेल सिंगर इज इन डिफरेंट स्केल, आई वॉज द फीमेल इन डिफरेंट की. फ्लूट एंड पेपा बोल के एक एथनिक इंस्ट्रूमेंट है, सब अलग अलग कीज में है, ठीक है, 440 और उसमें नहीं है कोई भी. बट देन ऑल्सो इट्स अ वन सॉन्ग, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. एंड इस सॉन्ग को मैंने चाहा कि उन लोगों की जो कल्चर है उनको वीडियो विजुअल में कैप्चर किया. एवरी डे द ओनली थिंग अबाउट दिस होल थिंग इज दैट आई थिंक एवरी डे वी आर जस्ट लर्निंग एंड दैट विल नेवर नेवर एवर स्टॉप. सो आई जस्ट यू नो एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो आस्क हाउ डू यू डील विद कॉम्पिटिशन, बिकॉज आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ म्यूजिकली, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल ट्राइंग टू डू देयर ओन थिंग्स. इवन टी सीरीज इज सो सपोर्टिव ऑफ सिंगल्स एंड द फिल्म म्यूजिक, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी डूइंग म्यूजिक राइट. बिकॉज obviously 10 years ago, even 7-8 years ago, there used to be 5-6 singers जो सारे गाने गाते थे movies के लिए, and there used to be only playback singers. देखिए, lyrics लिखने के लिए जो पहली शर्त है वो पढ़ना है. अगर आपने पढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो हमेशा lyrics लिखते हुए आप अपने आप को handicap feel करेंगे, आपके पास tools नहीं होंगे. होता ये है ना कि हम एक मेडिकल की पढ़ाई हमें करनी होती है, हमें इंजीनियरिंग करनी होती है, हमें मैनेजमेंट करना होता है, हम हर चीज़ के लिए 5-7 साल देते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि अरे लिरिक्स क्या है तो ऐसे लिख लेंगे या गाना क्या है गा ही लेंगे. तो ये जो एक कैजुअल अप्रोच है इन चीज़ों के लिए वो हमें बदलना पड़ेगा. एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन के पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है. तो जब तक आप भर नहीं जाते आप छलक नहीं सकते. Most of the singers are like standing on their own basically, no one else is there. Coming up with a band is a different thing, so which one is better? See, coming up with a band is little tough. It's good to have a band, but it's like one brain split into 5 parts. Band is a very tough thing for a, you know, for you have to be. What happens, I'll tell you the fact of a band is that whenever a band is constructed, the main person is the singer, so he gets the limelight. Okay, baki member doesn't get the right. Oh, I'm talking about India. So that's why making a band now,
the other members are always a step back because they know when he's going to perform, he's going to take the limelight. So nobody supports that ways. आजकल बहुत खुली mentality हो गई है कि अगर एक voice suit करती है कोई track को तो that voice is perfect for it. And a lot of new movie producers also are open to such a thought. So there is a bigger hope for you guys than what it was before. What happens when you sing live, that's very different from when you sing in the studio. It's a completely different ballgame. So now times are advanced. If you guys can have a sound card and a mic at home, you can, you know, technology is really catching up. So then if you do a lot of practice on the mic and then hear back your own voice, I think it really helps. But T-Series is the home company also, that's how it started. I mean, it started really growing thanks to Tera Chehra. That was the album that also started my relationship with T-Series, like full time actually, where they wanted me to be involved in virtually everything post that album, you know what I'm saying? And that it's still going on till date. It's been like 14 years now. So I mean, the thing for you guys also, I mean, everything is about the right time, the right place, and everything is like a blessing. I mean, everything is passed on. I mean, nothing comes on our own, firstly. Of course, I mean, the hard work is your own. No one else can do it for you.